और म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैन। गणपति विसर्जन के साथ ही सभी लोगों के मन से बस एक ही आवाज निकलती है, अगले बरस तू जल दिया। लेकिन इस बार हम बप्पा से एक और गुहार लगा रहे हैं, निवेश में छाई हुई सुस्ती को दूर करने की। जी हाँ, इसलिए आज हम आपके लिए खास पेशकश भी लेकर आए हैं कि अगले बरस तू ज्यादा आ। ज्यादा से हमारा मतलब बेहतर रिटर्न का है। तो अगर आप भी इस गणपति से अगले गणपति तक के लिए निवेश करना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पारंपरिक निवेश के तरीकों से बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गई हैं। हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर श्वेता जैन जुड़ गई हैं। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पल्लवी जी। तो श्वेता जी, हम बात कर रहे हैं अगले बरस तू ज्यादा आ, ज्यादा रिटर्न की बात कर रहे हैं। ज्यादा रिटर्न कमाने की लालसा तो हर किसी के मन में होती है, लेकिन जब बात निवेश की आती है तो ज्यादातर लोग जो हैं, निवेशक जो हैं, वो पारंपरिक तरीकों को ही चुनते हैं। तो ऐसा आखिरकार क्यों होता है कि लोग आज भी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में ही विश्वास रखते हैं? ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में सर्टेंटी होती है, आपको पक्का पता है कि इतना रिटर्न तो मुझे मिलेगा ही। और हम जो शॉर्ट टर्म अगर सोचते हैं तो हमको स्टेबिलिटी चाहिए, सर्टेंटी चाहिए, इसीलिए हम लोग अक्सर पारंपरिक तरीकों के निवेश में ही बिलीव करते हैं। बिल्कुल, तो अभी भी हम ये देखते हैं कि निवेशक ज़्यादातर जो है वो पारंपरिक तरीकों से ही निवेश करना चाहते हैं। बात जब भी निवेश की आती है तो जोखिम लेने से ज़्यादातर लोग घबराते हैं। इसलिए आज आपके लिए ये खास पेशकश लेकर आए हैं कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जो है वो हासिल कर सकते हैं अगले एक साल में, यानी कि इस गणपति से अगले गणपति तक के लिए। तो श्वेता जी, सबसे पहले ज़रा हम पारंपरिक तरीकों के बारे में ही बात कर लेते हैं जिनमें लोगों का इतना ज़्यादा अटूट विश्वास है। तो पारंपरिक तरीकों की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो से ज्यादा पॉपुलर हैं? जी, अक्सर हमने देखा है कि लोग या तो अपने बैंक अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में पैसा छोड़ देते हैं, तो उससे रिटर्न काफ़ी कम आता है, बट पैसा अवेलेबल रहता है जब उनको चाहिए। आरडीज़ में हमने देखा है काफ़ी लोग आरडीज़ करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स, और लोग फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं, एफडीज़ करते हैं। इनका फ़ायदा ये है कि ये फिक्स रिटर्न तो देती हैं, बट क्योंकि ये एक मार्केट लिंक नहीं है, इनका रिटर्न कम होता है। और अगर फिक्स डिपॉजिट्स देखा जाए तो जब हमको हमने वो टाइम लिमिट रखा है, अगर एक साल का एफडी है तो एक साल के बाद ही उसको हम निकाल सकते हैं, पैसा बीच में नहीं निकाल सकते हैं। तो कुछ फ़ायदे भी हैं और एफडीज़ के कुछ नुकसान भी है। स्पेशली अगर लंबे समय के लिए एफडीज़ करें तो इन्फ्लेशन बीट नहीं कर सकते हैं एफडीज़, स्पेशली अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में। तो ये कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों हैं। बिल्कुल, तो ये तीन ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें ज़्यादातर लोगों का आज भी विश्वास है, चाहे वो सेविंग अकाउंट्स हो, एफडीज़ हो या आरडीज़ हो। लेकिन जब हम बात करते हैं रिटर्न की तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट, श्वेता जी, अमूमन देखा गया कितना रिटर्न मिलता है? जी, अगर आप देखें तो एफडीज़ की दरें गिर रही हैं तो अभी तो 6.5% से 7% भी हाईएस्ट हमको मिल रहा है एफडीज़ पे, तो अगले एक साल में रिटर्न्स और गिरने की संभावना है, तो ये और गिरेंगे ही। तो हम अगले एक साल में अगर किसी ने अभी लॉक इन किया तो 6.5 से 7% मिल सकते हैं, और अगर थोड़ा और देरी करेंगे तो उससे भी कम रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल, तो ये तीन ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनमें आप ये तो सोचते हैं कि जोखिम जो है वो कम है, लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आपको रिटर्न जो है वो भी कम मिल रहा है। और श्वेता जी, यहाँ पे तो दिक्कत ये भी हो जाती है कि जिस दर से महंगाई बढ़ती जा रही है, ये तो उसे बीट करने के लिए भी काफ़ी नहीं लगते। जी बिल्कुल, अगर हम महंगाई देखें तो जो रिपोर्टेड इन्फ्लेशन नंबर्स होते हैं वो 3 से 5% के अराउंड रिपोर्ट आती है हमको, पर अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं, अगर खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको पता है कि कितना महंगाई बढ़ रही है कितनी। और अगर आप हॉस्पिटल्स अगर जाना पड़े तो फिर आप देखते हैं कि हॉस्पिटल के खर्चे करीब 10%, हेल्थ केयर इन्फ्लेशन है, एजुकेशन के बच्चों के पढ़ाई के खर्चे भी 10%, इंडिया में ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर आप के बच्चे हैं तो अगर आप स्कूल फीस पे करो तो आपको पता है कि हर साल या हर दूसरे 10% बढ़ रही है। तो अगर आप एफडीज़ में पैसा डालें तो आप महंगाई के हिसाब से आपके एफडीज़ मैच ही नहीं कर पाएंगे।
बिल्कुल, तो महंगाई दर के मुताबिक जो है ये तीनों इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके लिए ठीक नहीं रहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है उससे कहीं ज़्यादा जो है वो महंगाई दर बढ़ती जा रही है, तो महंगाई दर के मुताबिक जो है ये ठीक नहीं रहता है। लेकिन जब बात हम श्वेता जी म्यूचुअल फंड्स के बारे में करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स को लेकर एक सबके मन में जो बात आती है वो ये आती है कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश जो है वो केवल लंबे समय के लिए ही रहता है, तो क्या वाकई ऐसा है या हम शॉर्ट टर्म के लिए भी म्यूचुअल फंड्स को चुन सकते हैं? जी, म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा टूल है जिसमें आप कोई भी रिस्क प्रोफाइल के लिए और कितने भी समय के लिए, 1 दिन से 30 साल तक के लिए आप निवेश कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ऑप्शंस भी है, लॉन्ग टर्म ऑप्शंस भी है म्यूचुअल फंड में। तो शॉर्ट टर्म अगर आप 1 दिन के लिए कर रहे हैं तो वो अलग ऑप्शन होगा, अगर 1 साल के लिए कर रहे हैं तो वो आपके लिए अलग ऑप्शन होगा। बिल्कुल, तो छोटे समय के लिए भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में तो आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं। आपकी ज़रूरत के मुताबिक जो है अलग अलग फंड्स हैं उनको आपको चुनना है, और कहीं ना कहीं श्वेता जी पारंपरिक तरीकों से हम बात करते हैं जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, तो उनसे बेहतर रिटर्न जो है हम म्यूचुअल फंड्स के जरिए कमा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, FDs RDs के अगेंस्ट अगर हम कंपेयर करें तो डेट म्यूचुअल फंड्स हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इनमें थोड़ा सा जोखिम रहता है क्योंकि ये एक फिक्स्ड रिटर्न नहीं है, पर इनमें ऑप्शन आपको ये भी मिलता है कि आप रिटर्न थोड़ा ज़्यादा कमा सकते हैं। और दूसरा इनका फ़ायदा ये है कि जब आपको निकालना है ये बिना कोई पेनल्टीज़ के आपको आप पैसे अपना निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो बिना किसी पेनल्टी के जो है आप पैसे निकाल सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जैसे कि श्वेता जी ने भी आपको बताया, चाहे आपको 1 दिन के लिए कोई फंड में पैसा निवेश करना हो या फिर 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए या उससे लंबे समय के लिए, हर एक के समय के मुताबिक जो है अलग से एक फंड है जिसको आप चुन सकते हैं। खैर, आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार जो है आपकी ज़रूरत के मुताबिक कौन सा फंड ठीक रहेगा। तो श्वेता जी शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बिल्कुल शॉर्ट टर्म के कई लोगों के लक्ष्य होते हैं, सो कई फ़र्ज़ कीजिए कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें 1 महीने के बाद कुछ पैसे की जरूरत चाहिए, 1 महीने के लिए पैसा पार्क करना चाहते हैं, तो ऐसे में कौन से म्यूचुअल फंड्स को वो चुन सकते हैं? तो ऐसे में आप चुन सकते हैं ओवरनाइट फंड्स या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स चुन सकते हैं। IDFC बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म आप देख सकते हैं, HDFC ओवरनाइट फंड आप देख सकते हैं इन कैटेगरीज में। इनमें क्रेडिट रिस्क नहीं होता है और इंटरेस्ट रेट रिस्क भी बहुत कम होता है। बिल्कुल, तो ये ऐसी 2 कैटेगरीज हैं। श्वेता जी हमें ये भी बता दीजिए, ओवरनाइट फंड्स और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, जो दोनों कैटेगरीज के बारे में आपने हमें बताया, सबसे पहले जरा उनकी बारीकियां दर्शकों को समझा दीजिए। आखिरकार क्या इनमें किसी तरह की कोई पेनल्टी होती है? क्योंकि लिक्विड फंड्स के पहले बारे में बात की जाती थी, लेकिन अब चूंकि उसमें निकासी पर पेनल्टी लगने लगी है, तो क्या ये दोनों फंड्स जो हैं इनमें आराम से निवेशक पैसा पार्क कर सकते हैं? जी, इनमें निवेशक आराम से पैसा पार्क कर सकते हैं, इनमें पेनल्टीज नहीं होती है निकालने के टाइम, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म एकदम कम समय के लिए ही बने हुए हैं, तो आप अगर बीच में पैसा निकालें तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। बिल्कुल, तो बीच में अगर आप पैसा निकालते हैं तो किसी तरह की कोई पेनल्टी आपको नहीं चुकानी होगी। पसंदीदा फंड्स जो हैं वो भी श्वेता जी ने आपको बताए हैं, उनमें भी आप अपना पैसा जो है वो पार्क कर सकते हैं, 1 महीने में आपको अच्छे खासे रिटर्न्स जो हैं वो ज़रूर हासिल हो सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इससे थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए, कई लोग जो होते हैं वो 1 से 2 महीने के लिए अपना पैसा जो है वो पार्क करना चाहते हैं, चूंकि महीना एक बढ़ जाता है, ऐसे में क्या कुछ रिटर्न भी ज़्यादा हासिल किया जा सकता है? कौन से ऐसे फंड्स हैं जिनको श्वेता जी निवेशक चुन सकते हैं और उस फंड से जुड़ी बारीकियां क्या हैं? जी, IDFC बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म जो है ये इनमें ही कर सकते हैं निवेश 2 महीने के लिए भी। इसमें आपका रिटर्न थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि आपने थोड़े लंबे समय के लिए अपना पैसा रखा है वहाँ पे, पेनल्टीज नहीं लगती हैं। आपको पार्शियल विड्रॉल करना है तो वो भी अवेलेबल है, थोड़ा पैसा निकालना है बाकी निवेशित रखना है तो वो भी कर सकते हो आप। बिल्कुल, तो 1 से 2 महीने के लिए जैसा कि श्वेता जी ने बताया आप इस बॉन्ड फंड को चुन सकते हैं, इसमें आप अपना पैसा पार्क कर सकते हैं, बेहतर रिटर्न जो आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन श्वेता जी अमूमन इस तरह से जब हम 1 से 2 महीने के लिए कोई फंड चुनते हैं तो कितना रिटर्न जो है ज़्यादा हम हासिल कर पाते हैं पारंपरिक तरीकों के मुकाबले? अगर आप 1 महीने के लिए देखें तो अगर आप पारंपरिक तरीकों में देखोगे तो आपको 4% से ज़्यादा नहीं मिलेगा, वो भी आपके बैंक अकाउंट में रहेगा, तो एवरेज पे आपको 4% मिलेगा। अगर आप इन फंड्स में डालते हैं तो आपको 4.5% से 5% तक का रिटर्न मिल सकता है, और अगर पैसा ज़्यादा है, अगर 2.25 लाख रुपये है तो 0.5% भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, तो अगर ज़्यादा पैसा है और ऐसे में जैसा कि श्वेता जी ने भी बताया कि 0.5% रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क जो है वो आपको पड़ जाएगा। खैर, आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप 2 से 6 महीने के लिए अपना पैसा निवेश कर
करना चाहते हैं तो कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए ठीक साबित हो सकते हैं। लेकिन इस बीच में एक ईमेल शामिल कर लेते हैं जो इस वक्त हमारे पास आया हुआ है कैलिन रिबेलो का। कैलिन रिबेलो बताते हैं कि इनकी उम्र जो है 34 साल है और इनकी मंथली इनकम जो है 1,35,000 है। श्वेता जी ये बताते हैं कि 1,00,000 रुपया जो है ये अपनी सैलरी से निवेश कर सकते हैं। अच्छी बात है कि इतना बड़ा अमाउंट है वो निवेश कर पा रहे हैं, शायद लगता है कि इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि इनके पास 32,00,000 रुपये के अमाउंट जो है इन्हें FD के ज़रिए जो है इस महीने के आखिर तक मिल भी जाएगा। और कुछ म्यूचुअल फंड्स में ये निवेश कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कैनरा रबा को इक्विटी टैक्सेबल फंड है 40,000 का निवेश, इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान है, इसके अलावा HDFC टैक्स सेवर रेगुलर है, LNT टैक्स एडवांटेज है, ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है। और इनके गोल्स मैं आपको बता देती हूँ। लक्ष्य में इन्होंने रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करने की बात की हुई है, उसके साथ ही 10 साल में इन्हें 80,00,000 रुपये चाहिए घर के लिए। और इन्होंने जो ये वैल्यू बताई हुई है ये इन्होंने शायद इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करके बताई हुई है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि 10 साल के बाद इन्हें ये 80,00,000 रुपया चाहिए होगा। तो म्यूचुअल फंड्स में आपकी राय चाहते हैं कि ये 32,00,000 रुपये कहाँ निवेश कर सकते हैं, किस रूट से निवेश किया जाए, लमसम या STP किस तरीके से करें। और उसके अलावा ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इमरजेंसी फंड के तौर पर IDFC बॉन्ड फंडिंग के लिए ठीक है या नहीं है, आप क्या राय देना चाहेंगे इन्हें? जी, इनके लिए काफ़ी चीज़ें इनके फेवर में काम कर रही हैं। एक तो इनको जो 32,00,000 रुपए मिल रहे हैं अभी FDs से, ये एक बराबर टाइम पे एडवाइस मांग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग, वरना हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद मांगते हैं एडवाइस, पहले नहीं। और क्योंकि ये यंग है और अभी तक टाइम है, तो ये अपने रिटायरमेंट तक के लिए भी अच्छा पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। और पेश करना चाहिए ये 32,00,000 अगर आप देखें तो, क्योंकि 10 साल का टाइम है आपके पास, आपको इसको अच्छे से निवेश करना चाहिए। मैं नहीं समझती हूँ कि आपको इसको FDs में कंटिन्यू करना चाहिए। एक कंपैरिजन के लिए मैं अगर आपको बताएं तो, अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 32,00,000 रुपए डाले तो 10 साल के बाद आपको 90,00,000 तक मिल सकता है। अगर 11% भी हम अज्यूम करें पोस्ट टैक्स, तो 80 ही नहीं 90,00,000 तक आप पहुँच सकते हैं। पर अगर आप FD में बने रहे तो अगर मैं 7% भी मान के चलो, जो बहुत ज़्यादा है और आजकल नहीं मिल रहा और FDs के दरें नीचे गिर रही हैं, तो भी आप 55,00,000 तक ही पहुँचेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा मिसमैच हो जाएगा आपके गोल के लिए। जो आपको 80 चाहिए आपको 55,00,000 ही मिलेंगे अगर आपने FDs में कंटिन्यू किया। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। मैंने आपको दोनों रेकमेंड किया है, इक्विटी भी किया है और डेट फंड भी किया, क्योंकि 11% तक में भी आप पहुंच रहे अपना गोल तक। और उसके पहले मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करी है आपके लिए, एक इमरजेंसी फंड भी बताया है। तो आप IDFC बॉन्ड फंड में 3,00,000 रुपये आप निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में आप 5,00,000 रुपये निवेश कर सकते हैं, ICICI ब्लू चिप में 5,00,000 रुपये, LNT मिड कैप में 5, आदित्य बिरला कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में 7,00,000 रुपए और IDFC बॉन्ड फंड में 7,00,000 रुपए। तो आप अपने 32,00,000 को एक अच्छे से काम पे लगा सकते हैं इस तरीके से। श्वेता जी, हमने पारंपरिक तरीकों के बारे में बात की, हमने ये भी बात की कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए कैसे निवेशक जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, हमने बात की कि कैसे 1 से 2 महीने में भी अच्छा खासा रिटर्न जो है वो हासिल किया जा सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे भी निवेशक होते हैं जो थोड़ी सी इससे ज़्यादा अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने वेकेशंस के लिए जाना है या बच्चों की फीस के लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो 2 से 6 महीने के लिए अगर कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है तो कौन कौन से विकल्प उसके पास म्यूचुअल फंड के तौर पर है? अगर 2 से 6 महीने तक किसी को निवेश करना है तो 2-3 फंड मैं बता सकती हूँ। आप ICICI प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में निवेश कर सकते हैं, आप IDFC बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म में निवेश कर सकते हैं, आप कोटक लो ड्यूरेशन फंड में भी निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये ऐसे फंड्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं अगर आप 2 से 6 महीने के लिए निवेश करना चाहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न भी आप हासिल कर सकते हैं। ठीक, अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से 1 साल के लिए अगर निवेश करना चाहता है तो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें निवेश किया जा सकता है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या रहता है श्वेता जी? अगर कोई 1 साल तक का निवेश करना चाहते हैं तो वो ICICI प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में निवेश कर सकते हैं, DSP मनी मैनेजर फंड में भी निवेश कर सकते हैं। इनके रिटर्न्स अगर 1 साल तक अगर हम देखें तो 6 से 8% के बीच हमको रिटर्न्स मिल सकते हैं।
बिल्कुल, तो 6-8% का रिटर्न जो है वो करीब करीब एक साल में आप हासिल कर सकते हैं। जहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर पारंपरिक तरीकों के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर आपको बेहतर रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन ठीक उसी जगह पर अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में भी अगर आप निवेश करते हैं, तो जैसा कि श्वेता जी ने भी बताया कि आप 6-8% का रिटर्न जो है वो हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा जोखिम जो है वो ज़रूर रहेगा, लेकिन जोखिम के साथ आपको बेहतर रिटर्न जो है वो ज़रूर मिलता रहेगा। खैर, अब बात करते हैं 1-2 साल के लिए। श्वेता जी, 1-2 साल की अवधि के लिए भी बहुत से लोग जो हैं वो निवेश करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जो लक्ष्य होते हैं वो छोटे छोटे लक्ष्य वेकेशंस के होते हैं, या बच्चों की कई बार उन्होंने शादी करनी है, 1-2 साल के अंदर बच्चे बड़े हो रहे हैं, या किसी तरह का बच्चों को कोई कोर्स कराना चाहते हैं, तो ऐसे में उनके पास क्या क्या विकल्प हैं? तो वो 1-2 साल के अगर किसी के गोल्स हैं तो वो आदित्य बिरला सन लाइफ सेविंग्स फंड में निवेश कर सकते हैं, या ICICI प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में भी निवेश कर सकते हैं। इनका रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और क्योंकि आप ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा टाइम तक बने रहेंगे तो उसके हिसाब से आपका रिटर्न मिलेगा। बट ये भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे जैसे रिटर्न रेट्स कम होते रहें तो आपके इन निवेश पे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। तो आपको अगर आपने अभी जल्दी डाल दिया तो आपके रिटर्न्स ज्यादा बनेंगे, अगर आपने रेट कट के बाद डाला तो आपके रिटर्न्स थोड़े कम हो जाएंगे। आप 7-8% का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इन फंड से। बिल्कुल, तो 1-2 साल में आप 7-8% का रिटर्न जो है वो जरूर कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के साथ, जो कि पारंपरिक तरीकों से कहीं बेहतर जरूर साबित होगा। खैर, एक सवाल और शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास इस वक्त ईमेल के जरिए आया हुआ है, विशाल हांडा का। विशाल हांडा बताते हैं कि इनकी उम्र जो है 30 साल से, और पुणे से ये हमें ईमेल लिख रहे हैं। ये फिलहाल जो है नए निवेशक है और म्यूचुअल फंड्स में निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, तो श्वेता जी इसके लिए उनको आपकी मदद चाहिए। 20,000 रुपए की SIP शुरू करना चाहते हैं, 1 करोड़ का इनका रिटायरमेंट के लिए लक्ष्य है, तो इनके पास समय भी है, करीब करीब 30 साल हैं, तो ऐसे में आप इन्हें क्या सलाह देंगी कि कौन से फंड्स चुने जाएं? जी, विशाल जी के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर इनको 1 करोड़ आज के वैल्यू में चाहिए तो रिटायरमेंट के टाइम यानी कि 60 साल की उम्र में इनको एटलीस्ट 3 करोड़ चाहिए होगा। तो उसके लिए ये 11,000 रुपये पर मंथ अगर निवेश करें तो ये अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं, अज्यूमिंग के 12% का रिटर्न हमको मिलेगा। तो 20,000 रुपये ये जो टारगेट कर रहे हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा है, जो अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी लाइफ में हम आगे बढ़ते रहते हैं हमारी एस्पिरेशंस भी बढ़ती रहती हैं, तो ये अभी से अगर ज़्यादा निवेश करें तो इनके लिए अच्छा होगा। मैं रेकमेंड करती हूँ कि ये पराग पारिक लॉन्ग टर्म फंड में 10,000 रुपये और ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 में 5,000 रुपये निवेश कर सकते हैं। 5,000 रुपये मैं इनको रेकमेंड करूँगी कि एक लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट फंड में ये निवेश करें, ताकि 6 महीने के जो इनके खर्चे हैं उनके लिए एक इमरजेंसी फंड बन जाए। उस वो फंड बन जाने के बाद ये अपने टैक्स सेविंग के लिए भी निवेश देख सकते हैं। बिल्कुल, तो टैक्स सेविंग के लिए भी आप निवेश जो है वो देख सकते हैं विशाल जी, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को, रिटायरमेंट के लिए जो आपने प्लानिंग की हुई है उसे आसानी से हासिल कर लेंगे, और इस बीच में अपनी ज़िंदगी के लिए बाकी लक्ष्य भी निर्धारित करिए और उसके लिए भी जल्द से जल्द जो है निवेश की शुरुआत कीजिए। खैर, एक सवाल और शामिल कर लेते हैं, किरण माली का हमारे पास आया हुआ है फेसबुक के जरिए। किरण माली बताते हैं कि एक नए निवेशक है। श्वेता जी, काफ़ी लोग जो है गणेश जी की आने के साथ, उनके विसर्जन के साथ जो लगता है कि नए निवेश की शुरुआत करते हैं। खैर, ये भी नए निवेशक है, 5-6 हज़ार रुपए का निवेश करना चाहते हैं, लेकिन ये टैक्स सेविंग के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो बेहतर ELSS फंड्स का विकल्प जो है ये जानना चाहते हैं कि कौन सा फंड इनके लिए सही रहेगा, तो आप इन्हें क्या सलाह देंगी? जी, किरण जी को मैं सलाह दूंगी कि ये ELSS फंड्स में SIP अगर करें तो इनके लिए अच्छा होगा। तो ये अगर आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ और DSP टैक्स सेवर में ये SIP करें तो इनके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, तो किरण जी की जैसा कि श्वेता जी ने आपको फंड्स की सलाह दी है, 2 फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और इनके साथ जो है आप अपने निवेश का श्री गणेश कर सकते हैं। एक सवाल और भी शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास आया हुआ है अनिल गुप्ता का। अनिल गुप्ता बताते हैं कि ये म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं। इनके फंड्स में आपको बता देती हूँ, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है, HDFC स्मॉल कैप, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, साथ ही DSP का टैक्स सेवर फंड भी है और एक्सिस का ब्लू चिप फंड भी है, तो 10 साल के लिए जो है इनका निवेश का नजरिया है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इन फंड्स के साथ ये बने रहें या इनमें से किसी फंड में निवेश रोकने की जरूरत है?
जी अनिल गुप्ता जी का पोर्टफोलियो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है लार्ज और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि अभी कोई चेंज ना करें क्योंकि 5 स्कीमें ही ऑलरेडी कर रहे हैं तो अननेसेसरी ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा. तो ये 5 स्कीमें ये बने रहें और कंटिन्यू करते रहें अपना इन्वेस्टमेंट, मार्केट्स देख के अपना इन्वेस्टमेंट्स नहीं रोके, अपने गोल देख के अपने इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करते रहें. तो अभी मैं इनको कोई रेकमेंडेशन चेंज का नहीं देना चाहूंगी, ये इसी में कंटिन्यू करें. बिल्कुल. तो अनिल जी आपके लिए भी सलाह ये है कि जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें शामिल फंड्स में आप अपना निवेश जारी रखें, और ये हम आपको ज़रूर कहना चाहेंगे कि इसके साथ ही आप अपने लक्ष्य ज़रूर निर्धारित करें, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उनके लिए निवेश करने से आपको आसानी रहेगी, आप आसानी से अपने तमाम लक्ष्यों को हासिल ज़रूर कर पाएंगे. एक सवाल और शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास आया था सुमित का. सुमित बताते हैं कि इनके पास कुछ फंड्स हैं और इन्हें 20 साल में 1 करोड़ रुपये चाहिए. ये बताते हैं 15% ही अपनी SIP जो है वो हर साल बढ़ा सकते हैं. शामिल फंड्स में बता देती हूँ आपको, एक्सिस ब्लू चिप का फंड है, साथ ही फ्रैंकलिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड है, एक्सिस मिड कैप फंड है, मेरा एसेट लार्ज कैप है, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है, HDFC टॉप 100 है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, और कुछ इन्होंने ना लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है श्वेता जी. तो HDFC का स्मॉल कैप फंड है, उसमें इनका एक मुश्त निवेश है, साथ ही कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और एक्सेस ब्लू चिप फंड है इनके पास. तो क्या सलाह देंगी कि इनके पोर्टफोलियो में शामिल फंड्स कैसे हैं और 1 करोड़ का जो इनका टारगेट है 20 साल का, क्या इसे आसानी से हासिल कर पाएंगे ये? जी एक तो मैं इनको कहूंगी कि काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स ले रखी है इन्होंने, तो बहुत ज़्यादा मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. मैं रेकमेंड करूंगी कि HDFC टॉप 100 और HDFC मिड कैप को ये डिसकंटिन्यू कर लें, बाकी ये कंटिन्यू कर सकते हैं. एलोकेशन अपना मेरे फंड्स जो है इनके उसमें आप इंक्रीज कर सकते हैं. 1 करोड़ तक 20 साल में पहुँचने के लिए इनको 10,000 रुपये पर मंथ निवेश करना है, तो ये ट्रैक पे है. बट जैसे मैंने पहले भी बताया कि 1 करोड़ आज के डेट का वैल्यू और 1 करोड़ 20 साल के बाद का वैल्यू बहुत अलग होता है, तो ये इन्फ्लेशन को भी मान के चले. बट अगर 1 करोड़ 20 साल बाद चाहिए तो ये ट्रैक पे है 10,000 रुपये पर मंथ पे भी. बिल्कुल. तो सुमित जी हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाएंगे, और जैसा कि श्वेता जी ने भी बताया कि 10,000 के निवेश के साथ जो है आप आसानी से 1 करोड़ के इस टारगेट को हासिल कर सकते हैं. क्या श्वेता जी, शो के अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी, कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो 2 से 3 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या विकल्प है म्यूचुअल फंड्स में? 2 से 3 साल के लिए हम थोड़ा फिर अग्रेसिव हो सकते हैं, थोड़ा इक्विटी में भी डाल सकते हैं. तो जिनको थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेना है वो कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड में निवेश कर सकते हैं, और इस कैटेगरी के लिए मैं IDFC क्रेडिट रिस्क फंड भी रेकमेंड करती हूँ, जो क्रेडिट रिस्क फंड है. तो इक्विटी नहीं होता इसमें, लेकिन आपके रिटर्न्स बनने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो इन दो स्कीम्स में आपके रिस्क के हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं. बिल्कुल. तो ये सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं और पारंपरिक तरीकों से बेहतर रिटर्न जो है वो कमा सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए कि कैसे वो पारंपरिक तरीकों के मुकाबले म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके छोटी अवधि के लिए भी बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. तो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन की आज की इस खास पेशकश में इतना ही.